हेलो फ्रेंड्स, हम निकल चुके हैं मुंबई से यहाँ पे जयपुर के लिए। ऑलमोस्ट यहाँ पे सुबह के 5 बज रहे हैं। आप देख सकते हो ये है स्टेशन जहाँ पे हमारी गाड़ी है 6:10 की। गाइस इस वक्त हो रहे हैं सुबह के 6:30, ट्रेन निकल चुकी है। आप देख सकते हो बहुत ही एंड मोमेंट पे हम लोग पहुँचे थे। जस्ट 5 मिनट पहले हम लोग यहाँ पे ट्रेन में, और हमारा जो टाइमिंग है वहाँ पे जयपुर का हम पहुँचेंगे 1:40 को। देखते हैं अभी हम कब पहुँचते हैं, ठीक है? तो इसी तरह से देखते रहिए गाइस, एंड थैंक यू। सबने ऑलमोस्ट यहाँ पे ठंडी के लिए पहन के रखा है। आप देख सकते हो कि लड़की को कुछ ज्यादा ठंडी लग रही है। बहुत ठंडी लग रही है। 15 डिग्री यहाँ का टेम्परेचर है, यू कैन सी। अभी 11 बजे ही हाल है, अभी हम पहुंचेंगे रात को 2 बजे जयपुर। पता नहीं तब क्या होगा, हम किस तरह से उतरेंगे देख सकते हो आप। अभी हम गर्म गर्म यहाँ पे चाय पीने के लिए उतरे। काफी ठंड है, टेम्परेचर यहाँ पे 10 डिग्री है। रात के 2 बजे भी हम जा रहे हैं यहाँ से। हमारा जो होटल है वहाँ पे जो बुकिंग हुआ था ऑलरेडी, हम लोग 1 दिन पहले बुकिंग कर ली थी। अब वहाँ पे हम पहुँचने वाले हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हम है जयपुर में, मेरा फर्स्ट डे यहाँ पे। आप देख सकते हो यहाँ पे हम खड़े हैं जयपुर के राज मंदिर सिनेमा हॉल के सामने, वेट कर रहे टूर बस का। यहाँ पे डेली टूर बस होती है मॉर्निंग में एंड नाइट में। तो हम लोग ने मॉर्निंग वाला बुक किया है, तो अभी तक फिलहाल बस यहाँ पे आई नहीं। था हम लोग बस का वेट कर रहे, तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे फोटो शूट चालू था। मेरी बेटी शीजा, आप तो इसे जानते ही होंगे, है ना? ठीक है, देखिए ठंड बहुत ठंड है गाइज, यहाँ पे अभी भी बहुत ज्यादा ठंड। आप देख सकते हो कुछ मेकअप, ड्रेसिंग, हेयर स्टाइल कुछ भी बन नहीं कर रहे। यहाँ पे बहुत ठंड हो रहा है। दिन में अभी भी टेम्परेचर यहाँ पे 12 डिग्री है गाइज। तो फिलहाल अभी धीरे धीरे धूप निकलने स्टार्ट हुआ है, आप देख सकते हो। गाइज ये है हमारी जयपुर के टूर बस, जिसको हम लोग ने 1 दिन पहले ही बुक कर दिया था। ऑनलाइन बुकिंग था, बहुत ही कम रेट में ही मॉर्निंग 9:30 से 5:30 तक आपको डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे आपको लेकर जाती है। फर्स्ट जो हमारा लोकेशन है वो है बिरला मंदिर। आप देख सकते हो ये बिरला मंदिर के बाहर का नीचे का मैंने शूट किया है। आपको जो सामने स्टेप नजर आ रहे हैं वो बिरला मंदिर की तरफ जाते हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा था गाइस, आप देख सकते हो। ठंड काफ़ी थी, अभी भी ऑलमोस्ट अभी भी 12 डिग्री है। मॉर्निंग के अभी 10 बज रहे हैं, यहाँ पे 10 बज रहे हैं, लेकिन काफ़ी ठंडी आप देख सकते हो। तो बहुत ही अलग ही एक्सपीरियंस था। मे भी अंदर शायद वीडियो शूटिंग अलाउड नहीं होगा मंदिर में, जहाँ तक पॉसिबल है वो मैं आपको दिखाने का ट्राई कर रही हूँ। काफ़ी अच्छा गया गाइस, बहुत ही एंजॉय किया हम सब ने, हम देख सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत ही टूर बस जो है आपको डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे लेके जाती है। ऑलमोस्ट 6 to 7 प्लेसेस वो कवर करती है, और जिसका चार्जेस ऑलमोस्ट 300 पर पर्सन होता है। तो ये हम लोग ने 1 दिन पहले ही बुक कर लिया था, आप देख सकते हो। गाइस ये है राम निवास बाग, और उसी बाग के अंदर म्यूजियम है, अल्बर्ट हॉल म्यूजियम। तो अभी हम वहाँ पे एंटर करने वाले हैं, जिसका जो एंट्री फीस है वो है पर पर्सन 40 रुपीज़, यानी एक जन का यहाँ पे 40 रुपीज़ होगा। तो देखते हैं म्यूजियम में क्या होगा। ये बैक साइड जो आप देख रहे हो वो एंट्रेंस है, ठीक है? और यहाँ पे अभी हम यहाँ से एंट्री करने वाले हैं, देख सकते हो आप। मैं भी अंदर हूँ, वहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं होगा,
तो शायद से अंदर का म्यूजियम का शूटिंग मैं आपको नहीं कर पाऊंगी, तो इसलिए बैकग्राउंड का मैं आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, तो अभी हम एंटर करने वाले हैं म्यूजियम में। ये म्यूजियम के अंदर का है जहाँ पे शूटिंग अलाउड था, जहाँ पे आप फोटोज ले सकते हो, आप वीडियो शूट कर सकते हो, इसलिए बहुत ही अच्छे से मैंने ये सब अंदर का शूट किया है। लेकिन पूरा शायद मैं कवर नहीं कर पाऊंगी, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो जितना पॉसिबल मैं आपको वो दिखाने का ट्राई कर रही हूँ। जो भी ये सब चीज़ें में इंटरेस्ट रखते हैं गाइज, जो हिस्टोरिकल जो चीज़ें हैं जहाँ पे आपको अलग अलग डिफरेंट टाइप के यहाँ पे आपको बर्तन में मिलेंगे, आपको और भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, आर्ट कला जो हाथ से यहाँ पे की गई है, अगर आप इंटरेस्ट रखते हो तो आपको ज़रूर ये हॉल ये म्यूज़ियम में जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही अच्छी आप चीज़ें देख सकते हो, कितनी अच्छी एकदम फाइन यहाँ पे पेंटिंग की हुई है, और ये सब हैंडमेड है गाइस, बहुत ही अच्छे से किया हुआ है, कोई प्रिंट नहीं है, ये सब हाथ से किया हुआ है ये पेंटिंग, आप देख सकते हो। बहुत ही लवली एक्सपीरियंस था, अगर आप जाते हो जयपुर घूमने के लिए तो ये म्यूज़ियम में ज़रूर आपको जाना चाहिए। ये गवर्नमेंट म्यूजियम है गाइस, जिसका एंट्री फीस जैसे कि मैंने आपको बताया पर पर्सन 40 रुपये है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छी अच्छी यूनिक चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगी, एक अलग ही न्यू एक्सपीरियंस होगा। अंदर फोटो शूट हमारा चालू था, बहुत ही अच्छे से आप पूरा शूट कर सकते हो, ये देख सकते हो आप कितने अच्छे यहाँ पे आर्ट कलर्स हैं, यहाँ पे दे हुए ये पत्थर से हाथ से एकदम बनाया हुआ है, कितना प्यारा है गाइस, बहुत ही अच्छा है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आपको ये सब जो ये म्यूज़ियम है आपको ज़रूर जाना चाहिए। वहाँ पे और एक म्यूज़ियम है जो प्राइवेट म्यूज़ियम है वहाँ पे जयपुर में, तो हम वहाँ पे गए नहीं क्योंकि इतना टाइम नहीं था हमारे पास में, तो हम लोग ने ये एक म्यूज़ियम कवर किया है। ये सेक्शन आया अस्त्र शस्त्र, यहाँ पे आप देख सकते हो ये बहुत ही पुराने टाइप के जो अभी आपको हथियार वगैरह बंदूक से तलवार वो सब देखने मिलेगा आपको, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत ही वाव वाला फीलिंग था गाइस, कैन सी। अभी हम एंटर कर रहे हैं पिंक सिटी, जहाँ पे हम देखने वाले हैं हवा महल, यू कैन सी ये पिंक सिटी का गेट है गाइस। सो गाइज, ये था हवा महल, जो कि हमारा ये लोकेशन कंप्लीट हो गया, जिसका सिर्फ फ्रंट व्यू हम लोग ने लिया, नीचे हम लोग बस से नहीं उतरे हैं। और ये देख सकते हो गाइज, ये पूरा पिंक सिटी है, जिसमें हर शॉप के कलर आपको सेम कलर मिलेगा, जो नेम बोर्ड है यहाँ पे देख सकते हो वो एज इट इज सेम रहेगा, लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों जगह आपको सेम चीज़ें मिलेगी। तो ये वीडियो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है गाइस, बस टूर अभी और भी बाकी है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, दैट्स व्हाई मैंने उसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। तो जल्दी ही मेरा नेक्स्ट पार्ट भी आने वाला है, प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगता है तो उसे लाइक कीजिए और गाइस उसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।